बाबलोग, आज मॉर्गोथ की रेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट को यानी पिछले पार्ट को तुमने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए ढेर सारा थैंक यू आप सभी को। जहां हमने राइज ऑफ मॉर्गोथ के बारे में बात करी थी, कैसे वो वालार में सबसे ज्यादा पावरफुल था, आडा को कैसे डिस्ट्रॉय किया, मायार को कैसे करप्ट करने लगा, बैलरॉग्स एंड मोर पावरफुल आर्मी कैसे बनाई, मिडिल अर्थ को कैसे तबाह किया, आज उससे आगे की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मॉर्गोथ के पार्ट वन नहीं देखा है, यानी सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है, तो इसमें बहुत से ऐसे टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट। चलो शुरू करते हैं। लेकिन बाबा, प्यार में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपका एक लाइक और अपना काम यहाँ पर सफल हो जाएगा। तो बाबा लोग, मिडिल अर्थ में मेलकोर की भीषण तबाही और काफी एल्फ्स को डिस्ट्रॉय एंड करप्ट करने के बाद वेलिनोर एक्ट में आ गया। वेलिनोर जहाँ वलार रहते थे, जहाँ एलिवेटर का खास ऑर्डर था मानवे को, जो मॉर्गोथ का भाई है, इसी के साथ साथ उल्मो एंड तुलकास से भी कि मेलकोर को ढूंढो एनी हाउ और उसे पकड़ो, देन बैटल ऑफ पावर वॉर सिचुएट होती है और उटुमनो को तबाह कर दिया जाता है, जिसे मेलकोर ने बनाया था अंदर धरती के नीचे, ताकि अपनी आर्मी का रखरखाव कर सके, और मेलकोर को कैद कर लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से सावरॉन बचकर भाग निकला था और मेलकोर को एंगाइनोर की जंजीर से जकड़ कर मैंडोस के हॉल में कैदी बनाकर रखा गया था, बिल्कुल वालार के सामने, खासकर मानवे के थ्रोन के आगे। अब भाई तो भाई होता है, मानवे काफी हद तक मेलकोर की हालत पर दया खाने लगा, लेकिन उल्मो एंड तुलकास ने काफी कड़ी निगरानी रखी जो मानवे को इस चीज से रोक रही थी। काफी लंबे समय तक मेलकोर को बंदी बना के रखा गया, लेकिन उटुमनो को तबाह करने के दौरान मेलकोर की पूरी सेना तबाह नहीं हो पाई थी, जो बार बार थ्रेट का काम कर रही थी। लेकिन इस बैटल ऑफ पावर इवेंट के बाद मिडिल अर्थ काफी हद तक डैमेज हो चुका था। कहा जाता है कि वेलिनोर में कैद रहने के बाद भी मेलकोर बाहर एल्व्स को करप्ट कर रहा था, लेकिन मेलकोर का सबसे कट्टर दुश्मन आगे जाकर नॉल्डोर हुआ। लेकिन वेलिनोर से भाग निकलने में भी नॉल्डोर ही इसका साथ देता है, वो भी धोखे से, यानी छल कपट किया इसने, क्योंकि वो काफी पावरफुल था और मैजिक पावर में तो दमदार था ही था, तो उसे ये चुटकी का काम लगाई ये सब करप्ट करने में। दरअसल उस समय नॉल्डोर के हाई किंग फिनवे के बेटे फिनर शिल्पकारी में काफी मशहूर था और इसने सिल्मारिल्स का भी निर्माण किया था, यानी वो तीन सुंदर मणियां जिसकी जरूरत मेलकोर को थी, और मेलकोर ने कुछ फालतू की अफवाह फैलाकर कि वालार और ह्यूमन का आगमन हो रहा है मिडिल अर्थ में, इस जाल में फिनर को फंसाया, और फिनर मेलकोर से नफरत भी करता था। और इसी बीच जो नॉल्डोर के एल्व्स थे, यानी फिनर एंड ऑल अदर एल्व्स, जब उन्हें ये बात पता चली कि ये सब फेक न्यूज है, यानी वालार ने ऐसी फेक न्यूज फैलाई, तो वो उनकी मर्मरिंग करने लग गए, यानी निंदा करने लग गए, जिससे वेलिनोर का पीस डिस्टर्ब हुआ और मेलकोर को यही तो चाहिए था। मौका देखते ही मेलकोर वेलिनोर से भाग निकला और फिनर को ये एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती कर दी। एंड इस इवेंट के बाद नॉल्डोर यहां से और कट्टर राइवल हो गया था मेलकोर का। उसके बाद काफी लंबे समय तक मेलकोर छुपा रहा और फिनर से दोस्ती करने फिर दोबारा वापस आया। वो उसे जाल में फंसाना चाहता था अपने जादुई टोने वगैरह से और अपना एक सुंदर रूप दिखाकर, वो उसकी शिल्पकला का पूरा फायदा उठाना चाहता था। जस्ट लाइक सावरॉन और कैलिब्रिम्बोर का जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था, वैसे ही मेलकोर भी फिनर का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन फिनर ने उसके काले इरादे पहचान लिए पहले ही, श्राप देकर उसे अपने वहां से भगा दिया। और फिर मेलकोर यारमेंटीर की पहाड़ी में जाकर दोबारा अपना सेवक अनगोलियन से जाकर मिला, जो मकड़ी के रूप में जी रहा था। पहले भी मेलकोर की इसने सेवा कर रखी थी, लेकिन ये छोड़ के भाग आया था क्योंकि मेलकोर जो इससे वादे किए थे वो वादे इसने पूरे नहीं करे थे। लेकिन फिर दोबारा से मेलकोर ने इसे हाई रिवॉर्ड का झूठे मूठे वादे या फिर और भी वादे देकर इसे अपनी सेवा के लिए मना लिया, और उसकी मदद के बाद अंधकार की चादर फिर से फैलाने लग गया मिडिल अर्थ पर। उसके बाद मेलकोर थोड़ी और ताकत इकट्ठा करके फिर वेलिनोर पर हमला किया, जहां मेलकोर ने अपने भाले से दोनों पेड़ को नष्ट कर दिया, वो जो लाइट ट्रीज हैं उन दोनों को, और उन दोनों पेड़ का जो रस निकल रहा था उसे अनगोलियंट ने पी लिया। यहाँ तबाही करने के बाद फिनवे को मारने चले गए ये लोग, और उसे मारने के बाद उसका खजाना लूट लिया, सब कुछ, सारे ज्वेल्स, क्योंकि ज्वेल्स में वो काफ़ी अव्वल थे, और इसी के साथ साथ सिल्मारिल्स भी इनके शामिल थी। पर फिनर बचने में सफल रहा, और यहाँ फिनर ने मेलकोर को साप भी दिया, जिसे मॉर्गोथ कह के पुकारा गया, और अब मैं यहाँ से इसे मॉर्गोथ कह के ही डिनोट करने वाला हूँ। देन इवेंट सिचुएट होता है रिटर्न टू बेलरियंड। नॉल्डोर से लूटपाट के बाद मॉर्गोथ और अनगोलियंट एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचे, और यहां अनगोलियंट काफी पावरफुल हो चुका था। वो पेड़ का रस पीने के बाद, और मॉर्गोथ ने उसे और पावर भी दी थी, जिसके बाद वो काफी पावरफुल हो चुका था। दूसरी तरफ मॉर्गोथ अनगोलियंट के सामने अब कमजोर हो चुका, और तब अनगोलियंट के मन में कपट जन्मा, क्योंकि वो मॉर्गोथ के इरादे जानता था, और पहले भी मॉर्गोथ ने इसे धोखा दिया था।
और उसने सारा लूटा हुआ खजाना मॉर्गोथ से छीनना चाहा, क्योंकि पावरफुल तो वो हो ही चुका था। अनगोलियंट ने सारी ज्वेल्स मॉर्गोथ को डरा धमका कर छीन लिया। सिल्मारिल्स मॉर्गोथ नहीं दे रहा था, तब जाके मॉर्गोथ को इसने पनिश करना शुरू किया, जाली में अपनी कैद कर लिया क्योंकि मकड़ी तो वो था ही, और जस्ट उसे खाने ही वाला था, निगलने ही वाला था कि मॉर्गोथ की ऐसी चीख निकली जो एंगबेंड की दीवारों तक पहुंच गई, और वहां से गॉथमॉग एंड बैलरॉग मॉर्गोथ को अनगोलियंट से रेस्क्यू करके निकलने में सफल हुए। एंड एंगबेंड पहुंच के सिल्मारिल्स के तीन मणियों को उसने अपने क्राउन में सजाया। देन इवेंट सिचुएट होता है यहाँ पर वॉर्स ऑफ बेलेरियंड, जहाँ मॉर्गोथ एंगबेंड के किला दोबारा पहुंचकर पहले तो इसे काफी मजबूत बनाया, उसके बाद पहले जो गलती हुई उससे वो उसे सुधारना चाह रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिडिल अर्थ में जंगल में भी एल्फ्स रहते हैं और वो उन्हें खत्म करने के लिए निकल पड़ा, डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन थिंगोल, सिंडा, डेनेथर, किरदान एंड नैंडोर एल्फ्स मॉर्गोथ की ऑक्स आर्मी को खदेड़ने में सफल रहते हैं, उन्हें बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन मॉर्गोथ की ऑक्स आर्मी ने टेलेरी एल्फ्स को हरा दिया था काफी हद तक। उसके बाद डेगोर नुइन गिलियट इवेंट सिचुएट होता है, जहां फिनर अब मिडिल अर्थ पर आ चुका था, और इस खबर से ही मॉर्गोथ की फटने लगी थी। फिनर के आते ही उन्हें ज्यादा लंबे समय तक मॉर्गोथ ने टिकने का मौका नहीं दिया, उसने सोचा इन्हें अभी खदेड़ो वरना ये बाद में और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और वॉर सिचुएट हुई यहां पर, जहां फिनर मॉर्गोथ की आर्मी पर भारी पड़ा और उन्हें एंगबैंड के किले के गेट तक खदेड़ कर आया। तब मॉर्गोथ ने गॉथमॉग और बैललॉक्स को भेजा और वो फिनर को मारने में सफल रहे, और मॉर्गोथ का बहुत बड़ा दुश्मन यहां पर कम हुआ, और इसने यहां पर से फिर राहत की सांस ली। इसके बाद देन इवेंट सिचुएट होता है डेगोर एगलारेव, जहां फिनोर के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा मैथरॉस बदले की आग में बिल्कुल आग बबूला हो चुका था, और उसका एक ही उद्देश्य था एनी हाउ मॉर्गोथ को मारना बस, और यहाँ बाकी एल्व्स जितनी भी मिडिल अर्थ में थे सभी एक साथ मिल चुके थे अब, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉर्गोथ बहुत बड़ा थ्रेट है, तो सबको मिलके इसे हराना ही समझदारी का काम होगा। एंड अपना किंगडम यहाँ पर मिडिल अर्थ में सेट कर लिया, वो भी पावरफुल। मॉर्गोथ फिर से ये सब देखकर हमला करने के लिए निकल पड़ा एल्व्स के ऊपर, ताकि वो दोबारा से फिर जड़े मजबूत ना हो पाए इनकी, और इस बार फिंगोल्फिन अपने बेटे सहित मॉर्गोथ आर्मी पर टूट पड़ा, जहां फिंगोल्फिन के साथ 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 फिनर का बड़ा बेटा मैथरॉस भी था, एंड इसी के साथ फिनार्फिन के बेटे भी थे, और इन सब ने मिलकर मॉर्गोथ आर्मी को जबरदस्त हराया और एंगबेंड के किला की घेराबंदी कर दी इन लोगों ने वहां जाकर, और वहां मॉर्गोथ को उसने कैद कर दिया था, मतलब इन लोगों ने एल्व्स ने वहां जाकर उन्हें कैद कर दिया था। और बाबा अब यहां लगाते हैं विराम, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में मॉर्गोथ का दी एंड को कवर करने वाले हैं, कि उसका एंड हुआ आखिर कैसे, जहां फाइनल वॉर ऑफ रेथ इवेंट सिचुएट होगा, एंड मिडिल अर्थ को एल्व्स इतने भारी कैसे पड़ रहे थे मॉर्गोथ पर। इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ और भी इवेंट्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो बाबा यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, तो उसको कम ना ही होने दें, क्योंकि मैं आपके लिए यूँ मेहनत कम नहीं करने वाला हूँ। अभी तो बस शुरुआत है, अभी मुझे काफ़ी इवेंट्स पर काम करना है, अभी मार्वल के थ्योरीज में मैं घुसा भी नहीं हूँ, मुझे उन पे भी बहुत सी वीडियोस बनानी है। तो बाबा थोड़ा सा संयम बना के रखो, अभी बहुत कुछ है सामने। बाकी थर्ड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद मिडिल अर्थ के बारे में भी एक रिक्वेस्ट आ रही है कि सौरन के बाद, जब सौरन का भी नष्ट हो चुका था वो, उसके बाद मिडिल अर्थ की क्या हालत थी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गया तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दिए, नहीं है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।